हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है कि हर सुबह की तरह आज मैंने आपको टेलीग्राम पर टॉपिक दे दिया था स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस टॉपिक को लिख लिया होगा और आप लिखने के बाद ही इस वीडियो सॉल्यूशन को देख रहे होंगे, क्योंकि बिना लिखे देख रहे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ लिखिए, नहीं तो अगर आप लिखेंगे नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान है और आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है पेपर टू में, क्योंकि पेपर टू गेम चेंजर हो गया भाई। पेपर टू के बिना अपना सिलेक्शन भूल जाओ, सोच भी नहीं सकते, फाइनल मेरिट में आ भी नहीं पाओगे, समझे। तो ये हो गई सारी बातें, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग। दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं। तो अभी मैंने रीसेंट कंटेक्स्ट से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है कि थर्ड मिनिस्टेरियल काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी MHA के द्वारा नई दिल्ली में। और इसके बाद मैंने टेररिज्म की डेफिनेशन बता दी कि भाई अनलॉफुल यूज़ है फोर्स और वायलेंस का किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ताकि इंटिमिडेट कर पाएँ या कोअर्जन कर पाएँ सरकार को या सिटीज़न को, ताकि वो अपने पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर पाएँ। वाइल क्या बोलते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो प्रोसेस है मेकिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी अपीयर टू हैव बीन लीगली ऑब्टेन्ड। इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, मैंने ये डायग्राम ले रखा है आपको समझाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग सिंपली आपने कोई क्राइम किया या माफिया हो गया, एग्जांपल ले लो माफिया का ले लो, कौन सा माफिया का ले साहब, तो आप ले लो अतीक अहमद, नहीं वो तो ऊपर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनका नहीं लेंगे, छोड़ो अतीक का नहीं लेते। कौन सा माफिया बचा है यूपी में, मुख्तार अंसारी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मुख्तार अंसारी है, उसने कोई क्राइम किया, उस क्राइम से उसके पास पैसे आए, ये डर्टी मनी है। डर्टी मनी को ये क्या करेगा, किसी ना किसी हवाला के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आ जाएगा। उस फाइनेंशियल सिस्टम से क्या होगा, वो फाइनेंशियल सिस्टम से वो पैसा विदेश में भेज देगा। विदेश से फिर पैसा भारत में कैसे आएगा भाई, ऑफशोर बैंक है यहाँ पे, ये क्रिएट करेगा कोई कंपनी वाई शेल कंपनी, यहाँ पे कोई कंपनी क्रिएट करेगा एक्स, वो भी शेल कंपनी, ये दिखा देगा कि भाई वाई कंपनी ने एक्स से कुछ एक्स को कुछ बेचा है, इसके बदले में एक्स ने कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया है वाई कंपनी को। अब इससे क्या होगा, ये तो ट्रेड है, ये तो लेजिटिमेट पैसा बन गया। अब भाई यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है कि गंदे पैसे को लेजिटिमाइज कर दिया, और वो इससे क्या करेगा, ऐश करेगा लग्जरी एसेट्स, फाइनेंशियल और कई सारी इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग। आप सब आई होप इतना इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लिंकेजेस क्या है आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच में। दोनों सिमिलर एक्टिविटी है, दोनों का मोटिव क्या है कि भाई स्टेट अथॉरिटी की स्क्रूटनी से जो पैसा है उसको बचाना है, ताकि वो इलेजिटिमाइज यूज़ में आ पाए। दूसरा सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या करता है, चैनल एस्टेब्लिश कर देता है, इस चैनल के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग बहुत समय से हो रही है। तो जब टेरर फाइनेंसिंग होनी होगी ना, आतंकवादियों को पैसा चाहिए होगा, वो इसी चैनल का यूज़ करेंगे पैसे को एक्सेस करने के लिए। कुछ डिस्टिंक्शन भी है, देखो जो फंड्स हैं वो लेजिटिमेट भी हो सकते हैं और लेजिटिमेट भी हो सकते हैं जब टेरर फाइनेंसिंग की बात आती है, बट अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात है तो उसका सिंपल सा फंड है, गंदा पैसा इस कन्वर्टिंग इनटू अच्छा पैसा, बस उससे अलावा कुछ नहीं। अब देखो ये पूरा डायग्राम है, आपको ये अच्छे से समझा देगा टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की लिंकेजेस क्या है। वही मुख्तार अंसारी वाला एग्जाम्पल, गंदे गंदे काम किए, पैसा कमाया, पैसे को क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस जो ऊपर मैंने आपको समझाई थी, वो मनी अब डिसगाइज्ड हो चुकी है, मतलब अब सरकार को लग रहा है ये वाइट मनी है। वाइट मनी को क्या किया, अनलॉफुल या लॉफुल सोर्सेज के थ्रू आतंकवादियों को भेज दिया और उन्होंने आतंकवादी अपना क्राइम करना चालू कर दिया। तो ये है एक प्रॉपर लिंकेज। ये डायग्राम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बहुत। क्या क्या एफर्ट्स हुए, तो भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1267 और 1373, जो कि बेडरॉक है फाइनेंशियल सेंक्शंस के, जो कि आतंकवादियों पे लगते हैं। FATF आपको पता ही है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, जो कि इन सब फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ होती रहती है पूरे ग्लोब में, इधर से उधर पैसा जा रहा है, उस पर नज़र बनाए रखते हैं कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। चैलेंजेस क्या, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ये पूरा बर्डन इंडिविजुअल कंट्रीज़ पर आ जाता है, जैसे भारत के जैसे, कि वो अपना पर्सनल लेजिस्लेशन लेके आए मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करें। दूसरा पॉलिटिकल विल, अब देखो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे और लेजिस्लेचर्स के लेवल पे, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, एक आप सर्च करना गूगल पे AML CFT फ्रेमवर्क, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, टू वे इंटरेक्शन रहेगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन में आज तक कमी आई है, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं थी। आप सर्च करो ये क्या है, इनएडिक्वेट कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसीज़ है। देखिए अब तो होने लगा है कि नो योर कस्टमर आ गया है,
लेकिन उससे पहले क्या होता था, बैंक में आप जाइए, कोई भी अपना फर्जी सा वोटर आईडी दे दीजिए, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो कोई भी आदमी है जो कि गंदे काम कर रहा है या जिसको पैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डालने हैं, वो हंसते हंसते खेलते जाएगा, बैंक में पैसा जमा कराएगा, इसकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं हो रही क्योंकि उसने फेक आईडीज़ यूज़ कर रखी हैं, और फिर उस पैसे को वाइट कर देगा, जैसे कि उस प्रोसेस में अभी ऊपर समझाया था मैंने। कोलैबोरेशन नहीं है, देखिए ना ही तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है, ना ही इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, ना ही कोऑपरेशन है। मतलब कोई भी जैसे सिक्योरिटी एजेंसी ले लीजिए, भारत की ले लीजिए, यूके की ले लीजिए, या एफएटीएफ ले लीजिए, भारत की सीबीआई, रॉ, ये सब ले लीजिए, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, लीगल असिस्टेंस भी नहीं है। मान लो सीबीआई को किसी को पकड़ने जाना हो यूके में, जैसे कि नीरव मोदी वगैरह को, तो यहाँ की पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है भारत के साथ, ना इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, जिस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग एक मेजर इशू बना हुआ है। नॉन कैश मेथड, अब देखिए टेक्नोलॉजी आती जा रही है, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मनी, इन सब से मनी लॉन्ड्रिंग और भी आसान होती जा रही है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कर दे तो जो पैसे का फ्लो है ना, कहीं भी अगर हम देखेंगे कि एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी कहीं क्रिटिकल एरिया में, एनिमी एरिया में, हम उसको काउंटर कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाइए, जैसा कि मैंने बोला था, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ अलग अलग देश की, जैसे कि इंटरपोल, सीबीआई, इन सब के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल और बैंकिंग, अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग होनी है तो कहाँ से होगी, बैंक से। अगर बैंक ही कोलैबोरेट कर ले उन अथॉरिटीज़ के साथ जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो क्या होगा, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। लास्ट पॉइंट हमारा अपना कि भाई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करिए, ताकि वो ऐसे जो गलत ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसको ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग कर दे, एक पैटर्न को एनालाइज करके। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब आपको थोड़ी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, कंक्लूजन खुद से लिखिए, ये मैंने हंसते हुए चेहरे बनाए हैं, टू वे इंटरेक्शन रहेगा, जैसे कि मैंने बोला है, कई चीज़ें मैं आपको करने के लिए बोलूँगा होमवर्क के तौर पर, या होमवर्क तो बहुत पुराना तरीका हो गया, ये वार्तालाप, मुझे भी तो जानना है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो टू वे इंटरेक्शन मेंटेन करने के लिए मैं कुछ ना कुछ आपको देते रहूँगा कि आप खुद से लिखिए, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए इसको, अगर मेरे पास समय मिलेगा तो मैं उनका रिप्लाई भी करूँगा, मेरी खुद की आईडी से कर दूँगा, स्टडी फंडा की आईडी से कर दूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही, और प्लीज़ पेपर टू पे लेके सीरियस हो जाइए। अभी मैं एक मार्कशीट देख रहा था, आई थिंक 40s में उस बंदे की रैंक है, उसके पेपर वन में मार्क्स हैं अराउंड जस्ट कट ऑफ के पास 148, पेपर टू में उसके मार्क्स हैं अराउंड 108 या 110। भाई उस बंदे ने 40 में रैंक मार दी, आप सोचो कट ऑफ 145 गई थी, सिर्फ 3 नंबर ज़्यादा और 40s में रैंक, उसको ड्रीम फोर्स मिल जाएगी CISF। तो आप समझ रहे हैं पेपर टू कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो यही चीज़ आपको समझानी थी, आई होप समझ गए होगे। इसी के साथ अलविदा, टाटा, बाय बाय, आई थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CAPFAC 2023।